Good morning, dear students. Now today we are going to start the new chapter, that is body movements. Okay, you all have to write down the new words, keywords that is given in the behind the chapter. Okay, this is the chapter number 8. Okay, write, keep a note on in your notebook that we are going to start the 8 number chapter, that is body movements. Okay, so as you all know, you will have to write down the keywords. The first, write down that keywords. Now, let me tell you what we are going to study in this chapter, body movements. आपको chapter का नाम पढ़ के ही idea तो आ गया होगा कि we are going to study about the movements. Okay, हम कैसे चलते हैं, बैठते हैं, या फिर हम कैसे लिखते हैं. Okay, but the thing is, we all are different. Even we all are living organisms. Not only humans, but there are certain living organisms also. They are moving according to their body structure. Clear? Plant जो है, वो भी living organism है. क्या वो भी movement करता है कि नहीं करता है? So all these things we are going to study in this chapter. Okay. When you are writing in your notebook, okay, so first, this is a pencil. What I am writing in my book, but my finger is also moving, my hand is also moving, clear? But there is a different way to write also. मैं अपनी finger ऐसे bend करके ही लिख सकती हूँ, है ना? हम अपनी finger को ऐसे सीधा सीधा करके हम नहीं लिख सकते. There is no movement takes place. राइट, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो क्या है कि जिसकी वजह से हम इतना काम, हमारा जो भी कोई काम है, हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं. यानी कि हम इजीली चल सकते हैं, हम इजीली रन कर सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं. ओके, वी कैन इजीली सिट आल्सो. राइट, हम स्ट्रेट भी बैठ सकते हैं, हम बेंड भी हो सकते हैं. What is the special inside our body so that our body can move? Okay, हमारी body के parts जो है वो सभी अलग अलग तरीके से movement करते हैं, है ना? हमारे जो हाथ है ऐसे ऐसे move करते हैं, लेकिन क्या मैं उसको पीछे ऐसे कर सकती हूँ, पीछे पूरा ऐसा round घुमा सकती हूँ, जैसे कि हम हमारी neck को पूरा round कर सकते हैं, but क्या इसको मैं पूरा गोल गोल घुमा सकती हूँ? या फिर अपने पाँव को, या फिर अपने ये यहाँ से आपको गोल गोल कर सकते हो? नहीं. ओके, बट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी पार्ट्स वी हैव वेरियस मूवमेंट्स. ओके, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है? एक तो ब्लड है. राइट, ब्लड के साथ क्या है? मसल्स है. और क्या चीज़ है कि जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है? दैट इज द स्केलेटल सिस्टम. ओके, सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी द स्केलेटल सिस्टम इन अ डिटेल. क्यों? स्केलेटल सिस्टम ये ऐसी सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है. ओके, फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई शॉप पे जाओ या मॉल पे जाओ, तब आपको बाहर ऐसे इंसानों के जैसे स्टैच्यू दिखेंगे. राइट, और स्टैच्यू को कपड़े भी पहनाए होंगे. राइट, अगर सोचो वो स्टैच्यू ना हो और कपड़े पहने हो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना. क्यों? क्योंकि वो कपड़े के लिए वो स्टैच्यू एक सपोर्ट था. राइट, अगर इफ देयर इज नो सपोर्ट टू वेयर क्लोथ, तो हमें क्या वो पसंद आएंगे? नहीं. सिमिलरली अवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर सपोर्ट एंड शेप. दैट्स वाई हम, भगवान ने क्या किया है, हमारी बॉडी में एक स्केलेटल सिस्टम दिया है जो पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है? बोन से. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स. ओके, आपके यहाँ पे फिंगर में भी बोन है, आपकी पूरी बॉडी में बोन्स है. ऐसे भी बोन्स है कि जो आप उसको पूरा बेंड भी कर सकते हो, आप फ्लेक्सिबल, आपको जैसा चाहे उसको मुड़ा सकते हो. क्या ये फिंगर को आप जैसे चाहे मुड़ सकते हो? नहीं. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट है, वो बेंड नहीं हो सकता बोन. राइट, हमारे यहाँ पे हाथ में बोन है, हमारे माइंड में, ब्रेन के बाहर बोन है. ओके, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द बोन. ओके, सो वी हैव वेरियस बोन्स इन अवर बॉडी एंड ऑल द बोन्स आर मूवेबल. हमारे यहाँ पे भी बोन्स है. ओके, हमारे ये पूरा
फेस है वो बोन से बना हुआ होता है, नीचे का फेस है वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता ही रहता है। आप देख सकते हो कि मैं बोल रही हूँ तो मेरा नीचे का ये बोन है वो हिल रहा है, बट ऊपर का हिल रहा है नहीं, राइट? सो दिस इज द मूवमेंट, क्लियर? वी आर डूइंग मूवमेंट सिमिलरली, अदर एनिमल्स ऑल्सो कैन मूव, राइट? हमने आगे के चैप्टर में देखा कि जो स्नेल है वो क्रॉलिंग करती है, स्नेक है वो जमीन से टच करके वो चलता है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म द वेरियस मूवमेंट्स, क्लियर? सो टुडे इन दिस चैप्टर विल स्टडी द वेरियस मूवमेंट्स, ओके? फॉर एग्जाम्पल काउ जो है वो काउ के पास लेग है तो लेग के थ्रू वो वॉकिंग करते हैं, लेग के थ्रू वो मूवमेंट करता है, राइट? मूवमेंट करती है। ह्यूमंस है तो ह्यूमंस हम कैसे करते हैं मूवमेंट? थ्रू लेग, लेग के थ्रू करते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ओके? स्नेक जो है वो कैसे मूवमेंट करता है? होल बॉडी से उसको मूवमेंट करना है तो उसकी वो पूरी बॉडी चाहिए होगी, राइट? देन बर्ड जो है वो अपने विंग से फ्लाई करता है, फ्लाई सी, फ्लाइंग इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, वो ऊपर नीचे हो गए तभी ही वो फ्लाई कर सकेगा, अदरवाइज नॉट। इंसेक्ट जो है तो उन इंसेक्ट के पास भी ऐसे विंग्स होते हैं छोटे छोटे, देन दे हैव द स्मॉल स्मॉल लेग्स ऑल्सो, राइट? दे हैव सम टेंटिकल्स ऑल्सो जो अपने माथे पे होते हैं, टेंटिकल्स, राइट? फिश जो है वो फिश कैसे मूव करती है पानी के अंदर? थ्रू गिल्स, सॉरी थ्रू टेल, है ना? फिश के पास टेल है इसीलिए वो पानी में इजिली मूव कर सकती है। अगर सोचो फिश के पास टेल ही ना हो तो क्या वो फिश पानी के अंदर मूवमेंट कर सकती है? क्या डायरेक्शन चेंज कर सकती है? नो, फिश का ऊपर से बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है, राइट? मूवमेंट करने के लिए। सो वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, जंपिंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, स्लीटर एंड स्विमिंग, दिस आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ओके? दिस आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वे विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन दैट मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया कि हाँ हम ये चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, मूवमेंट के बारे में हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स, ओके? सम आर द मूवेबल, सम आर नॉट मूवेबल, क्लियर? सो द फर्स्ट विल स्टडी दैट ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हम पहला टॉपिक है हमारी इस चैप्टर का, दैट इज द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। सो लेट्स स्टडी एंड हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है कि लेट्स लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट्स। आपको आपकी मूवमेंट देखनी है। बिफोर लुकिंग ऑल दिस वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल, आपको दूसरों की मूवमेंट देखने से पहले आपको खुद को अपनी मूवमेंट्स देखनी है, ओके? देन फर्स्ट मूवमेंट इज आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, देन यू कैन राउंड योर राउंड योर दैट हैंड, ओके? देन यू कैन राइट, यू कैन रन, यू कैन इजीली स्लीप, यू कैन इजीली सिट, ओके? All these kind of movements, various movement you can observe in yourself, okay? So do you enjoy while doing the physical exercise? जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपको मजा आता है? Yes, क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट्स होते हैं उसमें। हम यहाँ पे स्कूल में आप जब थे, राइट, तब सर आपको सभी एक्सरसाइज करवाते थे, उसमें आप सभी की मूवमेंट होते, आपकी हैंड की, लेग की, हेड का, राइट, सबका मूवमेंट होता था, ओके? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज? आपको क्या करना है? घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करना है। इट इज द बेस्ट सीजन टू डू एक्सरसाइज इन द अर्ली मॉर्निंग टू रिड्यूस योर कोल्ड, ओके? आप ये सीजन में इट इज वेरी बेनिफिशियल टू डू एक्सरसाइज,
Okay, I'm sure, I hope you all are doing exercise at least for a 10 minutes. Okay, not more than, but I'm at least expect from you that at least you will do 10 minutes. So, there is one activity is given, activity 1 in this chapter, that you have to place a scale lengthwise on your arm so that your elbow that is called as the elbow. ओके सो एल्बो इज इन द सेंटर ये जो यहाँ जो पॉइंट है जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड द एल्बो ओके सो यू हैव टू फिक्स योर फिक्स द स्केल इन द सो दैट द एल्बो जो है वो यहाँ पे सेंटर में आए और वंस यू विल फिक्स इट तो वो तो मूव तो होगा नहीं राइट वो सीधा का सीधा ही रहेगा आपको पता है जब डॉक्टर सब हमें एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में तो छोटे बच्चों को यहाँ नीचे स्केल रख देते हैं या इधर यहाँ पे रख देते हैं तो स्केल रखने का रीजन क्या है ताकि हम अपना हाथ जो है वो हिलाए नहीं उसका मूवमेंट ना करें ओके क्योंकि छोटे बच्चों को तो ऐसा नहीं समझ होगा कि हम इसको हिलाएंगे नहीं हमारी तरह से वो शांत नहीं बैठेंगे वो तुरंत तुरंत वो हिलाते ही रहेंगे और हिलाने के चक्कर में उनको पेन होगा इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं वो स्केल फिट कर देते हैं ताकि वो अपना मूवमेंट कर सके नहीं और आपको क्या करना है कि बॉडी मूवमेंट्स इन योर अवर बॉडी that place your scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center okay and ask to your friend to tie the scale and your arm together jaise yahan pe activity mein dikhaya hai waise hi aapko karna hai now try to bend your elbow are you able to do this kya main elbow ko fir aise move kar bend kar paungi once the scale is hang with my hand तब क्या वो मैं उसको मूव कर पाऊंगी इजीली मैंने अभी कैसा मूव कर दिया ऐसा मूव होगा नहीं क्यों क्योंकि मैंने स्केल बांध दी है राइट नाउ डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टूगेदर एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू that our hand is divided into two parts right in this the elbow portion we can able to move this hand hai na hum usko easily move kar sakte hain to iske beech mein kya hai ek joint hai ye dono bones ke beech mein kya hai ek joint wo jahan pe hamari body mein jahan pe bhi joints hai wahi se hi aap apni body ke parts easily movement kar sakte ho for example in our finger हमारे फिंगर में 3 जॉइंट है इसीलिए हम इसको इजीली बेंड कर सकते हैं हम इजीली लिख सकते हैं हम इजीली ओपन क्लोज कर सकते हैं ओके हमारे फिंगर्स में कितने टोटल जॉइंट होते हैं 3 देखो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे भी यहाँ पे बेंड हुआ तो दिस इज द वन जॉइंट यहाँ पे भी बेंड हुआ सो दिस इज द सेकेंड जॉइंट वो टोटल जॉइंट कितने हुए 2 1 एंड 2 और बोन्स कितने हैं टोटल 1 2 एंड 3 Similarly, in here also, we can rotate our hand easily, right? यहाँ का bone और यहाँ का bone और यहाँ का bone दोनों क्या है joint है इसीलिए हम उसको rotate कर सकते हैं For example, our neck, we can rotate likewise, ups and down, left or right, okay? हमारे यहाँ के bones जो है वो joint किए हुए हैं Similarly, leg, you can Do walking with your steps. आप चल सकते हो अपने पाँव से आगे पीछे कर सकते हो क्यों क्योंकि आपके जो लेग में है वो joints है Clear? So can you name more such joints? हमें ये joints के अब सभी के नाम्स पढ़ने हैं Okay. If our body has no joint, हमारे सोचो हमारी body में कोई joint ही ना हो ये finger के हम ऐसे move कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे ऐसे 2 joints है finger के अंदर लेकिन ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट बोन ही हुआ एक पूरा का पूरा एक बोन ही हुआ क्या हम फिंगर को मूव कर सकते हैं फिर कर सकते हैं नो राइट सो व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट्स जॉइंट्स का फंक्शन क्या है एग्जैक्टली दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओके प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड
एंड यहाँ पे ये जो है आपकी ये फिंगर यहाँ पे टॉप योर है, यू हैव टू प्रेस इट, ओके। एंड हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ योर शोल्डर, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोस, आपको ये सब कुछ मूवमेंट करके देखना है, हाउ डू यू फील, ओके। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, जब आप प्रेस करते हो अपना ये हेड प्रेस करते हो, तो मैं यहाँ पे जोर से प्रेस कर रही हूँ लेकिन वो प्रेस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर यहाँ पे बोन है। सिमिलरली आपको भी ऐसा लगता, क्यों? सभी के अंदर, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, सो ह्यूमन बींग के अंदर तो बोन्स तो होंगे ही, सो यू विल फील वेरी हार्ड, ओके। व्हेन यू फील, व्हेन यू टच ऑन योर चीक, दैट टाइम यहाँ पे नहीं रहेगा इतना, ओके। ये जो है ईयर, यू कैन बेंड इट इजिली। अब आपको क्वेश्चन होगा कि मैडम ईयर में बोन होते हैं कि नहीं होते? आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी हैव दैट टाइप्स ऑफ बोन दैट यू कैन इजिली बेंड, ओके। ये जो ईयर के अंदर भी बोन होते हैं, नोज के अंदर भी बोन्स होते हैं, इसलिए नोज इजिली प्रेस हो जाता है, ओके। डू यू गेट फील ऑफ समथिंग हार्ड, आपको हार्ड लगा, राइट? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, हार्ड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द बोन्स। मैं यहाँ पे हैंड को ऐसे प्रेस कर रही हूँ, ओके, आई शो यू, मैं हैंड को ऐसे प्रेस कर रही हूँ, देर इज अ समथिंग हार्ड इन साइड द हैंड, ओके, सो देर इज अ बोन्स। बोन्स कैन नॉट बी बैंड, बोन्स जो है वो कभी भी बैंड हो सकते नहीं है, हाँ, लेकिन दो बोन्स अगर वो जॉइंट होते हैं, दैट बोन्स कैन ओनली बैंड। बट फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज अ वन बोन, ओके, मैं यहाँ पे, ओके, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस बॉटल, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ऐसा कुछ ओपनिंग वाला होता ही नहीं, डिड यू एबल टू ओपन दिस? इसके बिना आप ओपन कर सकते हो? सोचो कि यहाँ पे कोई क्लोज और ओपन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, और यहाँ पे आपको ये बॉटल ओपन करनी है, और ये स्ट्रक्चर ही नहीं दिया है आपको, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं दी है, तो डिड यू ओपन दिस? डू यू एबल टू ओपन इट? नो। सिमिलरली ये एक पूरा बोन है, हमने बोन के बीच में क्या डाल दिया? एक जॉइंट, ओके, दो बोन्स के बीच में क्या डाल दिया? एक जॉइंट, देन एंड देन ओनली द बोन्स कैन बी एबल टू बेंड। ये जो सिंगल बोन है, मुझे यहाँ से हाथ मोड़ना है, मैं मोड़ पाऊंगी? मुझे ये जो मैंने हाथ पकड़ा है यहाँ से, मुझे यहाँ से मोड़ना है, मोड़ पाऊंगी? नहीं, यहाँ से मेरा हाथ मुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दो, ये एक बोन है, ये एक दूसरा बोन है, दोनों के बीच में जॉइंट है, इसलिए मैं उसको बेंड कर सकती हूँ। बट ये जो पोर्शन है, ये जो बोन्स है, मैं उसको बेंड कर सकती नहीं, ओके। सो इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर वेस्ट, इट इज डिफरेंट बोन्स जॉइंट टूगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, मैंने बोला कि हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कौन देता है? बोन्स, एंड बोन्स इज रिलेटेड विद द स्केलेटल सिस्टम, ओके, स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। सो सिमिलरली देर आर मैनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर इन अवर बॉडी, अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोस पॉइंट वेयर द बोन्स आर मीट, ओके। हम वही बॉडी के पार्ट्स को इजीली हम मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, जहाँ पे दो बोन्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ओके। नाउ दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस टू कैरीज आउट द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द जॉइंट्स, हमारी बॉडी में कौन से जॉइंट्स हैं, सब भी अलग अलग है जॉइंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये शोल्डर है तो ऊपर नीचे ही होगा, ओके, आगे पीछे होगा नहीं, ऊपर नीचे ही ऐसे अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी मूव हो पाएगा, ओके, इधर ये गोल गोल घूमेगा, हमारा ये पूरा हाथ हम उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, यहाँ से आप गोल गोल घुमा सकते हो, यहाँ से पूरे से नहीं, ये अप्स एंड डाउन ही जाएगा, ऐसे नीचे नहीं मुड़ेगा, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन दैट जॉइंट्स वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी, दैट जॉइंट्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।